अनंतस योग में आपका स्वागत है। मैं मिसेज जैन, योग विशेषज्ञ। आप सोचेंगे इतना सारा खाना किस लिए, तो आज दिन भर की डाइट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं से बातचीत चल रही है जिनकी एक कॉमन समस्या, क्या खाएं क्या ना खाएं, या मोटापा, सर्वाइकल, बैक पेन, आर्थराइटिस, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम थोड़ा सा ध्यान अपनी डाइट पर दें। एज यूजल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये क्या है। और आज का ये लंच आप देख रहे हैं, नॉर्मल आपके किचन में जो भी बना है उसी को खाइए। आज हमारे घर में बना है कढ़ी चावल, लेकिन ध्यान रहे कढ़ी की जो पकौड़ी है वो दो पकौड़ी से ज़्यादा ना हो। अब आप कहेंगे कि इतनी सी कढ़ी और इतने से चावल में कैसे पेट भरेगा, तो उसका एक मेन तरीका बता देते हैं। बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए, आपने इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपने इतने छोटे छोटे पीस, अब आप देखेंगे कि ये कढ़ी जो इतनी सी थी अब ये भरकर इतनी हो गई है, और इसमें थोड़े से चावल डाल के बस जो खाने का तरीका है, आपने दो तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन चम्मच चावल, और अब ये आपका पूरा बाउल तैयार हो गया है विद सैलेड। अब आप इसे खूब चबा चबा कर कम से कम 20 मिनट में फिनिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इतने सारे चावल और इतनी सारी कढ़ी से पेट नहीं भर रहा था वो आपका इजीली एक कटोरा है। याद रखिए, लंच में आपकी क्वांटिटी जो है दाल चावल हो चाहे कढ़ी चावल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसको खाने का तरीका भी, इसलिए हमने इसमें खीरा और टमाटर ऐड किया है कि इसको च्यू करने में, अब खाली कढ़ी होती तो एकदम से नीचे चली जाती है, अब इसको खीरा और टमाटर को च्यू करने में समय लगेगा। 20-25 बार मैं चबा चुकी हूँ और अभी भी मुंह में है, तो इसको कोशिश करें मैक्सिमम चबाएं। और इसको खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटे का गैप रहेगा। इवनिंग में मेरी चाय चलेगी गुड़ वाली, और रात में चलेगा एक बनाना, क्योंकि कल पार्टी है, हमने खाना पीना है। तो 80 कैलोरीज को मेंटेन करें और देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। अंतस योग। अच्छा, बैक पेन हो रहा है मैम इनको। ओ, बैक पेन से नींद खुल जाती थी, फिर क्या हुआ? हाँ, बैक पेन मतलब एकदम नीचे वाली, लोअर बैक नहीं है, सेंटर में। ओके, तो मेरा फैटी लिवर होता है, टेल बोन। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, अब ठीक हो? अब तो एकदम बढ़िया, और बढ़िया नींद आती है, अब एकदम बढ़िया नींद आता है, 5-6 o'clock नींद आती है, वो पेन बिल्कुल नहीं है। अरे वाह, क्या बात। आपका 15-16 इंच लॉस हुआ होगा जरूर, टोटल बॉडी से ऊपर से नीचे। 1 kg पे 3-4 इंच जाता है, तो आपका 15-16 इंच लॉस हुआ है। इस नेचुरल तरीके से वजन कम हो सकता है, मेरी समझ नहीं आ रहा। इस नेचुरल तरीके से वजन कम हो सकता है कि आदतों में सुधार आते ही वजन कम होता है, तो आदत कोई ना कोई तो बदली होगी आपने? मैंने, हाँ, मैं फ्राइड बिल्कुल अवॉइड किया। किसको फ्राइड? और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मेरे टी के बाद मैं छाछ लेती हूँ। ओके, ब्रेकफास्ट कम किया। वेरी गुड। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, छाछ पीना शुरू कर दिया। छाछ पीना शुरू कर दिया, लंच बहुत कम कर दिया, लंच भी कम कर दिया। वो सेशन लेने के बाद बॉडी की जितनी नीड होती है वही आप ले लेते हो, आप जबरदस्ती कम नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ, भूख कम हो गया, भूख कम हो गई, वेरी गुड। खाना देखते आपकी याद आते कि मत खाओ मत खाओ। मैं तो कहती हूँ खाओ और खाओ, जरा और 2-4 सावन और देख लो, 16 सावन भी।